हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है दिलीप ज्योति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट में बेटू के लिए बेबी पंडा ऑर्डर किए थे और आ गया। तो दोस्तों, आज मैं लिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे इसको फिट किया जाता है, इसको कैसे हम फिटिंग करते हैं दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से फ्लिपकार्ट से हम लोग मंगाए थे, इस तरह से पैकिंग होकर आता है। दोस्तों, मैंने कल पहले ही खोल लिया था, टाइम नहीं मिला इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ये देखिए इस तरह से। और अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और क्या क्या है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो निकालते हैं। देखिए, ये देखिए इस तरह से आपका पैकिंग क्या आता है। ये वाला देखिए, ये मिलता है दोस्तों, ये रॉड है, ये इसका स्टेयरिंग है दोस्तों, ये लाइट वाली है और आवाज भी आता है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ ये बैटरी लगाने के लिए, ये बैटरी खुद का लगाना होता है, पहले से बैटरी नहीं रहता इसमें। और ये इसका आगे का चक्का है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये पीछे का चक्का है दोनों, साथ में ये है, ये दोस्तों, ये देखिए ये क्या कहाँ लगते हैं, स्टीयरिंग के ये ऊपर में लगता है दोस्तों, ठीक है। और ये वाला दिया हुआ है दोस्तों, ये नॉट टाइट करने के लिए। चलिए इसको अभी खोलते हैं। ये देखिए तो ये इसका आगे का चक्का है। तो सबसे पहले हम लोग ये लगा लेते हैं, आगे का चक्का लगाएंगे। इसमें नट्स ऑलरेडी लगी हुई दोस्तों, देखिए इसको पहले खोलना है। ये आपका खुल गया ऊपर, ये नीचे का नट है, ये देखिए ये वाला, ये है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये वाला यहाँ लगाना है, ये आपका यहाँ लगेगा, देखिए इस तरह से आपको, ये देखिए ये वाला आपको ऐसे यहाँ लगाना है। ये देखिए आपको लग गया। अब दोस्तों, ये बेयरिंग है, ये आपको यहाँ लगाना है। ये देखिए, ये आपको यहाँ लगाना है बेयरिंग, इस तरह से सेट हो जाएगा आपका। ये देखिए ऊपर नीचे, अभी ज़्यादा नहीं होगा, ऊपर में भी एक बेयरिंग है, ये लग गया। फिर दोस्तों आपको ये लगाना है, इसको सही जगह आप इसको बैठा लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों, वहाँ से लगा रहे थे तो नहीं लगा, देखिए पहले सबसे पहले ऐसे करके लगाना है, देखिए अब लग गया। ये देखिए यहाँ पे आपको ये नट लगाना है, ये नट लगाना है, जितना हाथ से जा रहा उतना हाथ से कीजिए। और ये देखिए, ये वाला मैं बताया था, ये इससे टाइट करने के लिए दिया हुआ है। ये छोटा चक्का आगे की ओर रहेगी दोस्तों, और ये पीछे तरफ। फिर आप इसको यहाँ पे लगाइए, देखिए चक्का आपका सीधा होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका सही आ रही है। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहले आप यहाँ बैटरी लगाना चाहते तो आप यहाँ बैटरी लगा दे, देखिए इससे खुलेगा ये।
ये देखिए खुल गया, आप यहाँ बैटरी डाल लगा लीजिएगा इसमें। ये देखिए बैटरी लगा लीजिए, फिर इसको बंद करना है, वापस से लगाना है। देखिए लगा दिए दोस्तों, देखिए अब इसको दबाएंगे, लाइट जल रही है, अच्छा आवाज भी आ रहा है, ठीक है। देखिए इसको पहले ऐसे सेफ रखना है आगे की ओर, ये इस तरह से आगे रहेगा दोस्तों, और ये वाला उसका आगे तरफ होगा। ये लग गया, और इसका वाशर दिया हुआ है, ये आप दीजिएगा यहाँ पे। ये देने के बाद आप ये नट लगेगा यहाँ पे, जितना हाथ से जाएगा दोस्तों उतना टाइट कर सकते हैं, और इसके बाद ये इससे टाइट करना है। ये देखिए दोस्तों आगे का पूरा लग गया कंप्लीट इस तरह से। अब लगाएंगे पीछे का चक्का। पीछे का लगाने के लिए आपको इस तरह से पलटी करना होगा। ये देखिए पीछे का चक्का है दोनों, लेकिन ये देखिए ये जैसे इसी से आपको पता चल जाएगा ये बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो आपको ये वाला यहाँ लग गया, ये देखिए इसको आप लगा दीजिए इस तरह से, और ये नट नट यहाँ पे लगेगी। ये देखिए इसको टाइट करना है पूरा। अब दोस्तों इस तरफ का लगाएंगे, ये देखिए ये यहाँ लगेगा, नट को पूरा अच्छे से टाइट करना है दोस्तों। यही चीज सर ठीक लगा दोस्तों, लेकिन यही मुझे थोड़ा ये लगा, ये थोड़ा हैवी देना चाहिए, इतना थोड़ा एक लंबा सा नाट है उसी में बस ये टिका रहेगा, इसीलिए दोस्तों ये वाले लगा। तो बनकर किट कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये बेबी पंडा का जो हैवी वेट है दोस्तों ये 75, तो दोस्तों ये बेबी पंडा का 75 केजी तक का कैपेसिटी है। तो अभी ये पूरा फिटिंग रेडी हो गया है, अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं कितना वेट तक कैपेसिटी ले सकता है और कैसे चलता है, वो करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों इसका सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं, कैमरा से इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखी, और ये पूरा कंप्लीट रेडी हो गई है, कैसे दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों रेडी सेटी एंड गो, यदि 1 2 3 यदि केस को ऐसे करना है, यदि कि इस तरह से चलेगा दोस्तों, इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे आराम से ये आपको आगे की ओर लेके जाएगा। आप इधर से घुमाएंगे कैसे घूमता है देखते हैं, ये देखिए घूम गया। अच्छा इसका हैंडल में ही है, ये हैंडल पर ही ये है, हैंडल आप अच्छा से ऐसे करेंगे तो आपको अच्छे से चलिए दोस्तों ज्यादा नहीं चलाता हूँ, चलिए चलिए दोस्तों इतना ही चलाते हैं। ये बेटू के लिए ज्यादा वेट ये इसमें नहीं है, ज्यादा वेट से फ्रेज रखना है उसमें, बोला भी गया है। तो अब चलते हैं बेटू को चलाने देते हैं।